हमारे भारत देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनका संबंध या तो दूसरे युग से है या फिर उनका इतिहास कई हजार साल पुराना है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह मंदिर कर्नाटक के द्वार समुद्र में स्थित है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबिड है, जो कर्नाटक के हसन जिले में दक्कन के पठार पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। नमस्कार, मैं हूँ आरती, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धरोहर, जिसमें हम बात करेंगे होयसलेश्वर मंदिर के बारे में। कर्नाटक का होयसलेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु, भगवान शिव और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया है जो समय के साथ कठोर हो जाता है। इस मंदिर के अंदर बहुत कम रोशनी में भगवान शिव की एक शानदार मूर्ति विराजमान है। शिव जी की मूर्ति के मुकुट पर मानव खोपड़ियां बनी है जो मात्र 1 इंच चौड़ी है। इन छोटी छोटी खोपड़ियों को इस तरह से खोखला किया गया है कि उससे गुजरने वाली रोशनी आंखों के सुराख से होती हुई मुंह में जाकर कानों से बाहर लौट आती है। हजारों साल पहले हाथ से बनाए गए ये सुराख बहुत ही अद्भुत है। होयसलेश्वर मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है और इस प्लेटफॉर्म पर 12 नक्काशीदार परतें बनी हुई हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि इन परतों को जोड़ने के लिए चूना या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि इंटरलॉकिंग के जरिए इसे जोड़ा गया था। पत्थरों की इंटरलॉकिंग न सिर्फ राजा को पसंद आई, बल्कि इसी इंटरलॉकिंग की वजह से आज भी मंदिर मजबूती से खड़ा हुआ है। इसकी बाहरी दीवारों पर सैकड़ों खूबसूरत मूर्तियां भी बनी हुई हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि हर मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसके साथ ही मंदिर के अंदर पत्थर के स्तंभ भी बने हैं। पत्थर से बने ये स्तंभ गोलाकार डिजाइन में हैं, जिसे हाथ से बना पाना नामुमकिन ही लगता है। विशेषज्ञों की माने तो ये काम मशीन के बिना संभव नहीं है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि उस समय में हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को घुमाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया होगा। होयसलेश्वर मंदिर वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है जो आज भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को बनाने में मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में कई लोगों का यह भी मानना है कि इस मंदिर का निर्माण मनुष्य जाति ने किया ही नहीं है। तो यहाँ थी कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर के बारे में रहस्यमय बातें। ऐसे ही और मंदिरों के रहस्य जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम धरोहर।